दो तीन जोहार झारखंड जय जोहार झारखंड जय जोहार झारखंड। अभी हमारे पीछे भगवान बुद्ध हैं। भगवान बुद्ध की धरती पर मध्य प्रदेश झारखंड उत्तर प्रदेश से चलकर हमारी बहनें लोग जो आई थी, सबसे पहले मैं उन लोगों को बधाई देना चाहूँगा। और एक टीम विजेता तो वही दूसरा टीम उपविजेता है, उपविजेता ही एक दिन विजेता बनते हैं। इसलिए सभी जितने भी हमारी छोटी बहनें यहाँ पर हैं और मेरे ऊपर सीनियर और गार्जियन कहें या सीनियर हमारे कहें टीम के, सभी लोगों को इस आयोजन कराने के लिए धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं, मोहित मैरिज हॉल भैया, मोहित भैया को हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। और आइए, हमारी कुछ छोटी बहनें पीछे खड़ी हैं, उपविजेता बनी है, और हालांकि इनके चेहरे पर थोड़ा सा भी उदासी नहीं है, खुश है काफ़ी, पहला प्रयास इन लोग का। तो आइए हम एक छोटी बहन से ही बात करेंगे। आइए बहन, कौन बोलेंगे आप, बोलिएगा। आइए, कल आपका बर्थडे मनाए थे ना, और खुशी की बात है कल मुझे इनका बर्थडे मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। क्या कहना चाहेंगे बारून को लेकर के, क्योंकि आप उपविजेता हैं और काफ़ी अच्छा से खेलें, काफ़ी आप लोग का अच्छा प्रदर्शन रहा है। किस्मत किस्मत की बात होती है, कभी किस्मत तो सभी लोग को एक समान नहीं होता है, लेकिन आपकी टीम जो थी बहुत अच्छा थी। बहुत अच्छा लगा सर। बारून जो है यहाँ के जो प्रबंधक लोग थे जो आयोजन करवा रहे थे, और जो आप लोगों का खाना पीना मिला, और खासकर बिहार हमारा, क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा ये सर। चलिए, सभी बहनें लोग काफ़ी प्रसन्न है, काफ़ी खुश है। हम चाहेंगे टीम के जो हमारे अध्यक्ष हैं सुरेंद्र जी, जिन्होंने हम अपना एड़ी चोटी एक कर दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, तो हम चाहेंगे सुरेंद्र जी से कि सर आप एक लाइन में ही, सभी बातें तो हो ही चुकी है, कहना चाहेंगे हमारी बहनों के लिए जो अदर अदर राज्यों से चलकर बिहार की धरती पर आई थी, क्या कहेंगे? सबसे पहले शरण भाई आपको धन्यवाद, और इस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन लोगों ने बहुत अच्छे तरह से खेला, और उम्मीद थी कि इन लोग ही जीतेंगे, लेकिन किस्मत कहिए कि किस्मत खराब था। किस्मत में सर पांच शब्द होते हैं, इसलिए विजेता से बड़ा शब्द ये है, इसलिए ये लोग ही महान हैं, और वो विजेता हमेशा मेहनत करते हैं। ये तो जरूर है शरण भाई कि असफलता ही सफलता की कुंजी है, और उम्मीद है कि इन लोग आगे और बेहतर करेंगे और जीत हासिल करेंगे। हमारे किंसु सर हैं, किंसु सर आप हमेशा हम इस प्रकार के बच्चियों से आपका प्रतिदिन मिलना जुलना होता है, आप टीचर हैं, प्रतिदिन ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चियों से मिल रहे होंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को शरण भैया धन्यवाद देते हैं कि आज जो चैंपियन क्लब की तरफ से बारून में महिला फुटबॉल टूर्नामेंट कराया गया था, जिसका उपविजेता टीम रही झारखंड की टीम, इनका आप इंटरव्यू ले रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे टीम को कि कभी भी हार जीत लगी रहती है हर गेम में, और जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है, उससे घबराने की बात नहीं है। आगे आप लोग और थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो एक दिन जो है कि से जीत आपकी मुट्ठी में ज़रूर होगी। धन्यवाद। एक लाइन में सर क्या कहना चाहेंगे टीम को लेकर संक्षेप में? हार जीत तो मैच में लगा ही रहता है, लेकिन बच्चे बहुत अच्छे खेले हैं झारखंड के, सारे दर्शकों का मन मोह लिए खेल के दौरान, बस टाई ब्रेकर इनका साथ नहीं दिया। भोला भैया बोलेंगे, भोला भैया क्योंकि नेता हैं और नेता यूनियन संघ के नेतृत्व करते हैं, इसलिए भोला भैया का बातों को तवज्जो दिया जाता है हर जगह। क्या कहना चाहेंगे भैया, जो हमारे छोटे छोटे बहनें एक तरफ ऊपर में जश्न मना रही हैं जीत का, तो वहीं हमारी छोटी बहनें अगले रणनीति को तैयारी में लगी हुई होंगी कि हम लोग अगले स्टेट में जाए तो किस तरह से बड़ा शील्ड को जीत कर लाएं? निश्चित रूप से लाजवाब इन्होंने खेल का प्रदर्शन किया, और इनमें मुझे कहीं ना कहीं खेल भावनाओं का जो है कि खेलने का जो तरीका था, इनका जो टेक्निक था खेलने का, पासिंग का जो टेक्निक था, वो लाजवाब इनका रहा। और मुझे उम्मीद है कि आज भले ही ये हार गए हों, लेकिन दर्शक इनको कभी भी हारे हुए महसूस नहीं कर रहे थे, और ये विजेता भले ही उपविजेता है लेकिन हम लोग की नज़र में यह विजेता है, और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आगे भविष्य में बहुत आगे बढ़े और बहुत सारा नाम कमाए अपने टीम के क्लब के लिए। और मैं अपने कमेटी की ओर से न्यूज इंडिया लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब से मैच स्टार्ट हुआ तब से आपने जो है कि अपना पूरा शिद्दत के साथ में चैंपियन क्लब के लिए आपने जो है कि शहीद भगत सिंह खेल मैदान पर अपना प्रदर्शन आपने हमेशा जो है कि अपने स्तर से चाहा कि हमारे बारून का जो है कि खबर को दूर दूर तक भेजने का काम आपने जो किया है। सरवन जी, मैं चैंपियन क्लब की ओर से प्रवक्ता होने के नाते मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। एक दो तीन जोहार झारखंड जय जोहार झारखंड जय जोहार झारखंड। थैंक यू सो मच।